एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वंशल लेके आई हूँ माय बुली। उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि मैं 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक कुछ भी मैं जो है अपडेट नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को एक महीना पहले बता दिया था मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और मुझे वहाँ जाना है। तो मैं 15 को यहाँ से निकल जाऊँगी एंड 16 तक मैं जो है वो हिमाचल पालमपुर पहुंच जाऊंगी। और कुछ लोगों ने मुझसे मिलने की दरख्वास्त की थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो गाइस मैं पालमपुर में होंगी। जो लोग भी उसके नियर बाय रहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं वो मुझसे मिल सकते हैं 16 को या फिर 17 की मॉर्निंग में भी, क्योंकि 18 को मैं वहाँ से वापस निकल जाऊँगी दिल्ली के लिए। मैं वापस आ जाऊँगी क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को वैसे ही मिलना है 10-15 मिनट के लिए, हेलो हाय करनी है या देखना है मैं कौन हूँ कैसी दिखती हूँ, तो आप मुझे मिल सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी टाइमिंग, हम लोग मिल लेंगे। एक ने मुझे रिक्वेस्ट की थी बट उसका एग्ज़ाम है, बट अगर एग्ज़ाम आसपास होता है नियर बाय होता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेंटर पे आ जाऊंगी मिलने के लिए। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने के लिए। गाइस माय बुली का चैप्टर हम शुरू करते हैं। लवांजी विभूषण और नीम हुए सिंह जो है वो मिलके गाड़ी से जा रहे होते हैं अपने स्कूल के लिए। विभूषण जो है वो गुमसुम सा बैठा होता है और खिड़की से बाहर देख रहा होता है। लवांगजी ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो विभूषण के कंधे पे हाथ रखता है, उसे अपने पास खींचता है और उसे एक छोटा सा हग साइड हग में उसे खींच के अपने कंधे में छुपा लेता है और उसकी पीठ को सहलाते सहलाते वो उसके क्राउन एरिया पे किस करता है और कहता है, वीन तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। वीन कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस मुझे अपने मॉम डैड की याद आ गई थी आज तुम्हारे अंकल ने जो भी कहा। तो लवांगजी जो है उससे कहता है, तुम्हें ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है वीन, अंकल थोड़े से गुस्से वाले हैं और अंकल को डर था तुम एक ओमेगा हो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अंकल के वर्ड बहुत ही गलत थे, मैं निंदा करता हूँ इस बात की और आई एम सॉरी वीन अगर तुम्हें बुरा लगा हो। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो मैं बुरा मान जाऊंगा। विंग जो है स्माइल करते हुए कहता है, मैं ज़रूर आऊंगा। नीहा सिंह पीछे मुड़ के देखता है और वो देख रहा होता है कि कितने इंटीमेट तरीके से ये दोनों एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए हैं। वो कहता है, यंग मास्टर वे, यंग मास्टर लैन, आप दोनों क्या कर रहे हैं? लवांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है, तुमसे मतलब? विंग सैड था, मैं बस उसे शांत करा रहा हूँ। विंग जो है थोड़ा सा हेजिटेट होता है और लंजा से दूर होने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा फिर से उसे टाइट हग में जो है अपने पास खींच लेता है और कहता है, तुम ऐसे ही रहो, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मेरी गोदी में सर रख के लेट सकते हो। विंग कहता है, सच्ची? तो लंजा कहता है, हाँ। विंग जो है उसकी गोदी में सर रख लेता है। लंजा उसके बालों को अच्छे से सहलाता रहता है और कहता है, विंग तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें ड्रामा पे फोकस करना चाहिए और अगर तुम ऐसे मुँह लटकाओगे तो तुम्हारा भाई जंगचा और तुम्हारी जीजे भी तुम्हें ऐसे देख लेंगे और फिर सोचो उन्हें कितना हर्ट होगा, वो कभी तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देंगे। विंग जो है वो एक स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे मिलना बहुत पसंद है क्या? लंजा कहता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो, मेरा आज दिन तक कोई फ्रेंड नहीं है। विंग कहता है, सच्ची? बचपन से कोई भी नहीं है? लंजा कहता है, नहीं, मैं किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता सिवाय तुम्हारे। विंग कहता है, ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि शिजे और जंगचा को कुछ भी पता ना चले और प्रॉमिस करो तुम भी नहीं बताओगे। और वो नीहो सिंह को कहता है, नीहो सिंह तुम भी जंगचा और शिजे को कुछ मत बताना, शिजे को बहुत हर्ट होगा और जंगचा तुम्हें पता ही है कितना गुस्से वाला है, वो मुझे दोबारा कभी वांगजी से मिलने नहीं देगा और इसके घर तो बिल्कुल नहीं आने देगा। नीहो सिंह कहता है, ओके मास्टर वे, जैसा आप कहें, जैसा आपको ठीक लगे, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। विभूषण और विभूषण जो है वो लवांगजी को देखने लगता है। तो ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं बहुत सारे टॉपिक पे, ड्रामास को लेके। उनका स्कूल आ जाता है। विंग जैसे ही गाड़ी एकदम से रुकती है, विंग का सिर जो है वो आगे लगने ही वाला होता है कि लंजा उसे अपने बिल्कुल करीब रख लेता है, उसके सिर को पकड़ के अपनी चेस्ट के पास ले आता है। विंग जो है पलके झपका झपका के लंजा को ही देखता रहता है और लंजा भी उसे देखता रहता है। जैसे ही विंग उसके पास से उठता है, वो दोनों बहुत करीब आ गए थे। विंग जो है जैसे तैसे करके खुद को पीछे करता है। लंजा कहता है, तुम मुझसे इतना घबराते क्यों? विंग कहता है, मैं ओमेगा हूं ना इसलिए। लंजा कहता है, तुम सेफ हो, डोंट वरी, तुम्हारी इच्छा के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। विंग कहता है, कुछ भी नहीं करूँगा मतलब? तो लंजा हंसने लगता है और कहता है, कुछ नहीं, चलो क्लास का टाइम हो गया है। वो दोनों बैग उठाते हैं और फिर वो तीनों क्लासेस के लिए निकल पड़ते हैं। जंगचा के साथ हमेशा विनिंग बैठा करता था और नीहा सिंह भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो सारे के सारे एक साथ क्लास में बैठते हैं।
विंग जो है जंगचा को हेलो बोलता है, वेंडिंग को भी हेलो बोलता है और लवंगची के साथ क्लास में बैठ जाता है और लवंगची जो है उसकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प करता है। जंगचा को आज विंग का बिहेवियर उतना ज़्यादा चिल नहीं लग रहा था जितना नॉर्मल डेज में होता है, तो वो पूछता है विंग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? आज तुम पहले की तरह प्रिटी स्माइल नहीं कर रहे, जोक्स क्रैक नहीं कर रहे। विंग जो है वो फेक स्माइल दिखा के कहता है, कुछ नहीं लंचा, मैं एकदम ठीक हूँ। तो जंगचा कहता है, विभूषण तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, बताओ मुझे क्या हुआ है। तो विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। देखो अब तुम चाहते हो मैं पूरा टाइम स्माइल करता रहूँ, हाँ, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो मुझे अपनी एनर्जी सारी बचानी है। वो लोग ड्रामा की प्रैक्टिस के लिए अपनी 4 क्लास अटेंड करने के बाद चले जाते हैं। जब वो ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सीन में विंग की एनर्जी वापस आ जाती है। वो खूब लगन से वहाँ पर ड्रामा की प्रैक्टिस करता है, जिसे देख के जंगचा को फाइनली नॉर्मल फील होता है कि विभूषण जो है अब नॉर्मल है। और निहो सिंह भी खुश होता है कि विंग वापस नॉर्मल जो है अपने वे में आ चुका है। और लवांगची उसके लिए बहुत सारा फूड और पीने के लिए कोल्ड कॉफ़ी, जो कि उसकी फेवरेट होती है, वो सारी चीज़ें लेके आता रहता है और अपने लिए भी। जंगचा कहता है, जब तुम गए थे तो 4 ले आते। तो वहाँ पर न्यू हेसेंग जो कि पेंटिंग की क्लास छोड़ के आज यहाँ पर आया हुआ था इन लोगों का ड्रामा देखने, तो वो कहता है, डोंट वरी मैं ले आता हूँ। जंगचा कहता है, लवांगची तुम 4 लेके आ सकते थे ना? लवांगची कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था और वैसे भी आज मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो मैं 2 ही लेके आया हूँ, एक विंग की और एक मेरी। लंजा कहता है, ठीक है नहीं हुए सिंह, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मेरे और वेंडिंग के लिए कोल्ड कॉफ़ी ले आओ और वंचिंग तुम पियोगी, वंचाओ तुम पियोगे। तो वो कह देते हैं हाँ। तो विंग जो जंगचा होता है वो नहीं हुए सिंह को पैसे देता है और कहता है, तुम एक काम करो, तुम अपनी पी लेना और हम चारों के लिए कोल्ड कॉफ़ी ले आओ। जो निहो सिंह होता है वो पैसे लेता है और चला जाता है। वो सारे के सारे बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल लगन के साथ। आज उनके कॉस्ट्यूम की भी सिलेक्शन होने वाली थी, तो ये लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के लिए भी अपना साइज़ दे देते हैं ताकि इनकी जो कॉस्ट्यूम है वो अल्टरेशन के लिए जा सके। विंग जो है जब अपना साइज़ दे रहा होता है तो जो टेलर उसका नाप ले रहा होता है वो विंग को टच करके उसका नाप लेता है, लेकिन लवांगजी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे जलन फील होती है कि किस तरह से वो विंग की बॉडी को टच करके उसका नाप ले रहा होता है। वो आदमी एक बीटा होता है, लेकिन विंग इतना क्यूट और इतना स्वीट होता है कि वो विंग की वेस्ट को जब पकड़ता है तो लवांगची को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो विंग के शोल्डर, चेस्ट, हर जगह का जब जब नाप लेता है लवांगची को सच में बहुत जलन फील हो रही होती है। फिर जब वो उसका नाप लेके चला जाता है तो लवांगची पीछे से आता है, विंग की वेस्ट को पकड़ता है और विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या कर रहा था वो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, वो तो मेरा नाप ले रहा था। लंजा कहता है, तुम्हें ऐसे किसी को भी अपनी बॉडी छूने नहीं देनी चाहिए, उसके इरादे ठीक नहीं थे। विंग कहता है, ओफो लंजा तुम इतना जेलस क्यों होते हो, हम तो दोस्त हैं ना। लंजा कहता है, तुम दूसरों के इरादे नहीं नाप सकते। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और आज उनका एनुअल फंक्शन आ जाता है। वो सारे के सारे लोग बहुत दिन से बहुत प्रैक्टिस करते थे। विभूषण ने अभी भी जंगचा शिजे को कुछ भी नहीं बताया था वहाँ क्या हुआ। जब भी वो उससे पूछा जाता था तो वो हर चीज़ हंस के बोल देता था, लेकिन इस बात पे मैडम यू ने विंग को पनिशमेंट दी होती है घुटनों पर बैठने की, क्योंकि वो एक अल्फा के घर में रुका था और अल्फा के ही बेडरूम में, जिसकी वजह से मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उस दिन पूरा दिन ना घुटनों पर खड़ा रखती है, वो घुटनों के बल बैठा देती है और विंग को काफ़ी पेन होता है, लेकिन विंग सारे पेन झेल जाता था क्योंकि वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे और जियांग फेमिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जब आज एनुअल डे होता है फंक्शन का, विंग बहुत खुश होता है क्योंकि इतने दिन से जेवजुन स्कूल नहीं आए हुए थे और आज वो परफॉर्म करना चाहता था क्योंकि उनके जज में से एक जेवजुन भी होने वाले थे जो वहाँ आने वाले थे। जियांग यानली भी अपने परफॉर्मेंस के लिए बहुत खुश होती है क्योंकि जियांग यानली ने बॉल डांसिंग की प्रैक्टिस की हुई थी और आज उसका जो जज था वो और कोई नहीं बल्कि जिन जिन जिशन था, वो वहाँ आता है, बैठता है, जियांग यानली परफॉर्म करती है। एक एक करके सारी लड़कियों ने परफॉर्मेंस दे दी होती हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। फिर जियांग यानली की बारी आती है और वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि वहाँ पे सारे खड़े हुए लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां मारने लगते हैं
हालांकि उसमें स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद उसे जिनजिशन भी कॉम्प्लीमेंट देता है और कहता है, तुमने बहुत अच्छा डांस किया। जियांगयानली खुशी से फूली नहीं समा रही होती, क्योंकि उसने ये जिनजिशन की अटेंशन ग्रैब करने के लिए किया होता है। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और वो स्टेज से निकल के विंग के पास आती है और विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है अपने ड्रामा परफॉर्मेंस के लिए। विंग और लंजा सब तैयार हो रहे होते हैं। विंग शीलियन की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, वो वाइट रंग के कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारा लग रहा होता है, और लवांगजी की तो उससे नज़रें ही नहीं हट रही थी। तो लवांगजी वहाँ पे हुआचंग की ड्रेसअप में आता है, रेड कलर के रोब्स और वो काला आँखों पर पैच, वो सारे के सारे अब स्टेज पर जाते हैं और ड्रामा परफॉर्म करने लगते हैं। विंग जो है खुशी से वहाँ पर बैठे हुए हमारे प्यारे लंच चैन को देख रहा होता है, जिसे देख के लंचा को बहुत ही ज़्यादा जलसी हो रही होती है। विंग हर बार परफॉर्मेंस देता और उसके चेहरे की स्माइल जिवजुन की वजह से बहुत ही अलग लेवल की होती, जिसे देख के कहीं ना कहीं हमारे लवांगजी को थोड़ी जलन होने लगी थी। वहाँ पर लंच चरण उनके बहुत सारे बुलाए हुए ट्रस्टी वगैरह सब आए हुए थे, वो लोग विंग की परफॉर्मेंस देख रहे थे, इवन ये पूरा एक्ट देख रहे थे, क्योंकि इस तरह के एक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिंग करियर के लिए भी निकल सकते हैं। विंग वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब सीन आता है जब शीलियन को हुआचंग से पावर चाहिए होती थी, और वो पावर एक किसकी फॉर्म में होती थी, विंग जो है वो अपनी परफॉर्मेंस के दौरान नज़रें चुरा चुरा के जेवजुन को देख रहा होता है और वो भी स्माइल करके उसे ग्रीट करते हैं। विंग जो है वो उस परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाता है। तभी लवांगजी जो है वो उसे विंग को एक नकली किस करके उसकी पावर देनी थी, लेकिन लवांगजी जब विंग के चेहरे पे वो खुशी लिन शिचन की वजह से देखता है, वो जलस हो जाता है। वो विंग को पकड़ता है, वहीं पे सबके सामने विंग को रियल में लिप किस करने लगता है, और विंग जो है वो हक्का बक्का रह जाता है। लवांगजी जो है उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी जलन साफ दिख रही थी। वो विंग को पहले तो सॉफ्ट किस करता है और उसके बाद वो विंग को पैशनेट ब्रूटल किस करने लगता है, विंग के लिप्स को काटने लगता है। विंग जो है लवांगजी को धक्का देना चाहता होता है, लेकिन वो स्टेज पे थे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था, और वो जानता था उन्हें कितनी पब्लिक देख रही हैं। लवांगजी भी विंग को रियल में उसके लिप्स पे किस करता रहता है, उसे पता था यहाँ उसके अंकल उसके ब्रदर और सब देख रहे हैं। वो सबके सामने ये डिक्लेयर करना चाहता था कि ये ओमेगा मेरा है। वो बहुत ब्रूटली बहुत पैशनेटली विंग को तब तक किस करता है जब तक उसकी सांसें ना ख़त्म हो जाएं, और जब विंग सांस लेने के लिए अपने हाथ मारता है तब विंग को किस करना छोड़ता है, और विंग जो है उसकी आँखें आंसू से भर जाती हैं, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था लंजा ऐसा करेगा। वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को कंपोज करता हुआ एक्टिंग को जारी रखता है। वो जानता था कि लंजा ने उसके साथ बहुत गलत किया है और लंजा ने आज उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, लेकिन वो अपने कॉलेज की शान को नहीं ख़राब कर सकता था। वो अपनी आँखों में आंसू भरे हुए भी वो पूरी एक्टिंग करता है। वहाँ पर जंगचा और वेनिंग भी होते हैं। जंगचा का तो खून खोल जाता है जब वो देखता है कि लवांगजी ने विंग को सबके सामने फोर्सफुली किस किया, लेकिन वेंचिंग उसका हाथ रोक देती है और इशारों में कहती है कि यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल ट्रस्टी सब हैं, उन्हें ऐसा लगना चाहिए ये एक एक्ट था। यह सब देख के तो लंच चरण और लंचरन भी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लंजा ने ये क्या किया, लेकिन वो लोग अपने आप को कंपोज करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब ऐसा बिहेव कर रहे थे कि ये जैसे कोई एक्ट का हिस्सा हो। वो लोग ड्रामा ख़त्म करते हैं। विंग लंजा के साथ खड़े होकर ड्रामा में सिर झुका के सबको बो करता है। उनकी ड्रामा के लिए बहुत तालियां बजती है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो जो सीन इनके बीच फिल्माया गया वो एक एक्ट का हिस्सा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो एक्ट का हिस्सा नहीं है। जेवजुन जो थे वो विंग की लाल हुई भी आँखें देख सकते थे। ऐसा नहीं था ये लोग अकेले थे जो उस ड्रामा के लिए परफॉर्म कर रहे थे, बहुत सारे लोग भी ड्रामा के लिए परफॉर्म कर रहे थे, जैसे रोमियो जूलियट और ना जाने कितनी कितनी चीज़ें वहाँ पर परफॉर्मेंस में हुई थी, लेकिन ये एक्ट सबसे ज़्यादा अलग था, क्योंकि ये बीएल नॉवल पे था और वहाँ पे सच में अल्फा और ओमेगा की किस भी होना, बहुत लोग तो होटिंग भी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा ये कोई पहली चीज़ है जो डिफरेंट लेवल पे हुई। लेकिन जैसे ही वो लोग बो करके स्टेज से नीचे उतरते हैं, विंग रोते 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 अपने रूम में चला जाता है, और उसे पीछे मनाने के लिए जंगचा वेनिंग जाते हैं और लंचा भी जाता है, लेकिन जंगचा जो है वो लवांगची को
धक्का मार देता है जब वो पीछे पीछे आ रहा होता है और कहता है मेरे ब्रदर से दूर रहो, उसके पास भी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? और आज तुमने उसे रुला भी दिया। तुम्हें पता है वीन को हम में से कोई भी नहीं रोने देता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? उसे धक्का मारता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। वो देखते हैं कि विंग मेकअप रूम में जाके बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है, तो जंगचो उसे हक करता है और कंफर्ट करता है और कहता है विंग कुछ नहीं हुआ। वेनिंग भी वहाँ जाता है और कहता है मास्टर वे कुछ नहीं हुआ है, क्या बात हो गई? विंग जो है वो जंगचो के गले लगता है और ज़ोर से रोने लगता है और कहता है तुमने देखा नहीं वहाँ क्या हुआ? लंजा ने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया है। लंजा बहुत बुरा है, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी और आज के बाद उसका कोई भी नाम नहीं लेगा। चंचा कहता है हाँ हम में से कोई उसका नाम नहीं लेगा, लेकिन तुम चुप हो जाओ। वहाँ पे शिजी भी होती हैं जो कि विंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने आई थी, लेकिन जब उन्हें पता चलता है वहाँ पर क्या हुआ, वो विंग को हक करती हैं और चुप कराती हैं। विंग जो है उन्हें हक करके बैठा रहता है और बहुत रो रहा होता है। तब शिजी उसे कहती है आई एशियन कुछ नहीं होता, तुम्हें चिल करना चाहिए, देखो जो हुआ वो उसे भूल जाओ। विंग कहता है मुझे सबसे ज़्यादा डर मैडम यू का है, वो लोग भी अंकल जियांग फेमिया और मैडम यू भी आज ये परफॉर्मेंस देखने आए हुए थे। जंगचा और जियांग याली ये सुन के शॉक्ड होते हैं, कहते हैं क्या मदर फादर आए थे? वो कहते हैं हाँ मदर फादर ने तुम लोगों की परफॉर्मेंस भी देखी और उसके बाद वो लोग आज हम लोगों की परफॉर्मेंस भी देखने आए थे, क्योंकि जंगचा पहली बार आज इस तरह से परफॉर्म कर रहा था और मैडम यू ने भी ये सब देख लिया, वो तो मुझे घर से निकाल ही देंगी। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, तभी जंगचा उसे चुप कराता है और कहता है मैं मदर से बात करूँगा। जंग यानली कहती है मैं भी मदर से बात करूँगी, पर विंग का रोना तो जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। उसे किसी चीज़ का खौफ सता रहा था, उसे लग रहा था उसे लंजा की बिटरे से ज़्यादा डर था कि मैडम यू उसे घर से निकाल देंगी, और वो जैसे चुप ही नहीं हो रहा था। पीछे से वहाँ लवांगची आता है और कहता है विंग आई एम सॉरी, लेकिन विंग उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था। विंग रोने लगता है और कहता है तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और जंगचा जो है वो लवांगची को धक्का देता है बाहर की तरफ और उस रूम को बंद कर देता है। मैं अपना चैप्टर अगली बार शुरू करूँगी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शियांगवेन वेंगशन फैन के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।